माननीय सभापति महोदय, आज आपने मांग संख्या 42 जल संसाधन विभाग व मांग संख्या 45 वन एवं पर्यावरण विभाग पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी के द्वारा प्रस्तुत बजट में मुझे नहरों के लिए, मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 28 करोड़ 30 लाख रुपए SSW नहर के पुनः निर्माण के लिए दिए गए हैं, उसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है पूरा हरियाली का क्षेत्र है, इसमें भाखड़ा नहर परियोजना व इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सिंचाई होकर किसान वर्ग अपना जीवन यापन करते हैं। ये राशि बहुत ही कम है। IGNP क्षेत्र में जो खाड़े पहले वर्षों पहले बने हुए हैं वो नकारा घोषित हो चुके हैं, उन खाड़ों के लिए बजट उपलब्ध कराया जाए ताकि किसान अपने अच्छे से खेती कर सकें। इसके अलावा हनुमानगढ़ टाउन शहर और हनुमानगढ़ जंक्शन शहर के बीचों बीच से घग्गर नदी गुजर रही है, जो जिसमें वर्षा के समय बाढ़ आने का खतरा रहता है। सन 1995 में हनुमानगढ़ जंक्शन शहर इस घग्गर नदी के कारण डूब भी गया था, तो मेरी आपसे मांग है कि इस घग्गर नदी को पक्का करके, इनके जो डोड़े हैं इसको पक्का करके इसे गुजरात की साबरमती, अहमदाबाद की साबरमती नदी की तरह अगर इसे रिवर फ्रंट बनाया जाए तो न कि शहर का सौंदर्यकरण होगा बल्कि शहर के वासी अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा जो भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड है उसमें जनप्रतिनिधियों की सहभागिता नहीं है, अगर सरकार भाखड़ा मैनेजमेंट बोर्ड में जनप्रतिनिधियों की सहभागिता उपलब्ध करे तो किसानों के हित में जनप्रतिनिधि सोचेंगे और अच्छा पानी किसानों के लिए ले सकेंगे। हनुमानगढ़ में जो एक FTP नहर माइनर निकली है, उस माइनर के जो अनकमांड भूमि थी उस भूमि को कमांड करके लाखों रुपए उसकी फीस किसानों को अदा करने के लिए कहा गया है, तो मेरा सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप उन किसानों को देखते हुए उनकी जो राशि ज़्यादा लाखों में की है उसे कम करके उनकी ज़मीनें कमांड घोषित की जाएं। इसके अलावा जहाँ जहाँ कृषि भूमि की नहरें, कृषि भूमि में कॉलोनियाँ कट चुकी हैं या भूमि कन्वर्जन हो चुकी है, उन ज़मीनों का जो पानी शेष बचता है उसे ज़मीनें जो अनकमांड है उन्हें कमांड किया जाए ताकि आम किसान को राहत महसूस हो सके। इसके अलावा मैं वन मंत्री महोदय से भी निवेदन करूंगा कि हमारे हनुमानगढ़ के शहर के समीप कोला फार्म है, उसमें हजारों बीघा भूमि कोला फार्म में है, पूर्व में माननीय सांसद के निधि से उस कोला फार्म की चारद्वारी करवाई गई थी जिसे काफ़ी वर्ष हो चुके हैं, वो चारद्वारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, कई जगह से टूट गई है और जो मुख्य सड़क पर तारबंदी करवाई हुई है वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है। वहाँ पर पशु विचरण करते हैं तो भाग कर आते हैं तो वो गाड़ियों से टकराते हैं जिससे कई बार जानमाल की हानि भी हो चुकी है, तो कृपया वन मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस ओर भी ध्यान दें, क्षतिग्रस्त चारद्वारी को सही करवाया जाए। और CAD विभाग के द्वारा जो खाड़े बनाने के लिए वर्क ऑर्डर किए गए हैं उन्हें सरकार के द्वारा, वित्त विभाग के द्वारा कार्य रोक दिए गए हैं। आपसे ये निवेदन है कि क्योंकि खाड़े जो है किसानों की ज़रूरत है, उन खाड़ों को जल्दी से जल्दी बनाने के आदेश जारी किए जाएं। मेरा माननीय सभापति महोदय के माध्यम से सरकार से अनुरोध है, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।